नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगिड स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में संचालित दो नई योजनाओं के बारे में। कौन कौन सी योजना है? तो एक तो है आपके माँ बाउचर योजना और दूसरी है नमो ड्रोन दीदी योजना। इन दोनों योजनाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये योजना आपकी सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है और अभी ये दोनों योजनाएं हैं वो चर्चा में बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बाकी याद कराने की गारंटी मेरी है। जब आप वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और ये जो योजनाएं हैं दोनों वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो स्टार्ट करें क्लास को। तो देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले माँ बाउचर योजना की। अब देखो, माँ बाउचर योजना नाम सुनते ही आपको माँ योजना के बारे में कुछ दिमाग में आए क्या? देखो, अब पहले चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले माँ योजना है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपको याद होगा गहलोत सरकार द्वारा योजना चलाई गई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के बारे में आपने सुना होगा। कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आपने सुना होगा। ये योजना गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई थी 1 मई 2021 को। कब चलाई गई थी? 1 मई 2021 को। फिर क्या हुआ, जैसे ही भजनलाल सरकार आई, इन्होंने क्या किया, इस योजना का नाम चेंज कर दिया। और इस योजना का नाम क्या कर दिया गया, इस योजना का नाम चेंज करके कर दिया गया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना इसका नाम कर दिया गया। अब और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया कि इस योजना का नाम क्या हो गया है, अब मां योजना। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आई क्या, जो माँ बाउचर योजना है वो किसके अंतर्गत लाई गई है? तो वो आपकी आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लाई गई है। अब देखो, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लें जब पढ़ ही रहे तो पहली बात तो कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई थी गहलोत सरकार द्वारा, उसका नाम चेंज करके भजनलाल सरकार ने क्या कर दिया है, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। फिर देखो, हम बात करें आगे, तो देखो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो हम बात करें कि जो गहलोत सरकार द्वारा जो योजना की गई थी इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो शुरुआत की गई थी 1 मई 2021 को। अब देखो, इस योजना के बारे में थोड़ा सा बात करें तो इस योजना में क्या किया जाता है, 25 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा उपलब्ध कराया जाता है। कितने का, आपको याद रखना है 25 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा उपलब्ध कराया जाता है। और कोई भी जो मरीज है वो हॉस्पिटल में जिस दिन एडमिट होता है उससे 5 दिन पहले और 15 दिन के बाद का जितना भी खर्च होता है वो इस योजना के अंतर्गत वहन किया जाता है। मेरी बात समझ में आई क्या? पहली चीज तो शुरुआत कब हुई इस योजना की, 1 मई 2021 को। फिर इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, 25 लाख रुपए तक का, कितना, 25 लाख रुपए का कैशलेस बीमा उपलब्ध कराया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें क्या किया जाता है, कोई भी यदि मरीज है वो क्या करता है, एडमिट होता है तो एडमिट होने के 5 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक का जितना भी जो खर्च होता है वो इस योजना के अंतर्गत वहन किया जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? शुरू में जब ये योजना शुरू हुई थी तब इसमें 5 लाख रुपए का कैशलेस बीमा उपलब्ध कराया जा रहा था। कितने रुपए का, शुरू में 5 लाख रुपए का। शुरू में बात करूं, यहां पर शुरुआत में 5 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराया जा रहा था। फिर देखो, जो बजट आया था 2022-23 उसमें इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 10 लाख रुपए कर दिया गया था। और फिर जो बजट 2023-24 आया था, बजट 2023-24 में इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 2000
23-24 में इसकी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 25 लाख रुपए कर दिया गया था। और अब इसका भजनलाल सरकार जो आई है, जो नई सरकार बनी है, उसने इसका नाम चेंज करकर क्या कर दिया है, मां योजना कर दिया है। और इसी के अंतर्गत एक योजना लाई गई है जिसका नाम है मां बाउचर योजना, जो हम पढ़ने वाले हैं। पहले बताओ ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई, फिर हम देखो बात करते हैं अब मां बाउचर योजना की। तो मां का मतलब तो आपको समझ में आ गया क्या है, आयुष्मान आरोग्य योजना है मां का मतलब। तो अब हम बात करें बाउचर योजना क्या है। देखो इस योजना की सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई है, 8 मार्च 2024 को। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है आपको ये बताओ, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पक्का लिखोगे अभी तुरंत ये लिखो कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। फिर देखो विभाग कौन सा है, तो देखो माँ जो योजना है वो किससे संबंधित है, आपको पता है स्वास्थ्य से संबंधित है, कैशलेस बीमा होता है, तो वो किससे होगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ये योजना है। फिर देखो इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया गया था कितने जिलों में, 3 जिलों में। 3 जिले में कौन कौन से जिले हैं, तो एक तो है आपके 12 भरतपुर और फलौदी। कौन कौन से जिले हैं मेरे साथ साथ याद करो, बोलते जाओ कौन कौन से जिले, एक तो 12 फलौदी, मेरे साथ बोलो कौन कौन से जिले हैं। एक तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों से इसकी शुरुआत की गई है, कहां कहां से, 12 भरतपुर और आपके फलौदी, 12 भरतपुर और फलौदी। शुरुआत कब हुई, तो 8 मार्च को शुरुआत हुई, 8 मार्च 2024 को इस योजना का शुरुआत किया गया। विभाग कौन सा है, तो आपके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी, कौन कौन से जिले हैं, तो 12 भरतपुर और फलौदी, मेरे साथ बोलो 12 भरतपुर और फलौदी। अब देखो इसका बजट कितना है सालाना, तो 10 करोड़ रुपए का सालाना बजट रखा गया है। और सरकार ने क्या कहा है कि अप्रैल 2024 में हम क्या करने वाले हैं, इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर देंगे। तो चलो बात ये तो समझ में आ गई कि भाई योजना की मतलब शुरुआत कब हुई, इसमें कौन कौन से जिले होंगे, शुरू में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, लेकिन इस योजना में है क्या उसके बारे में हम बात करें, तो इस योजना का उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि इससे सुरक्षित मातृत्व अभियान को गति देना है, कि हम इस योजना के अंतर्गत क्या करना चाहते हैं, जो सुरक्षित जो आपके मातृत्व अभियान है उसको गति देना चाहते हैं, साथ ही शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो सोनोग्राफी है वो करवाई जाती, उसके लिए वाउचर दिया जाएगा। देखो आगे पढ़ते हैं अपन, तो देखो प्रदेश में जिन सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्र में निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर दूसरी या तीसरी तिमाही में कम से कम एक जांच निशुल्क करवाने के लिए योजना लाई गई है। ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसे हॉस्पिटल हैं, देखो पहली बात तो कोई सरकारी हॉस्पिटल में सोनोग्राफी हो रही है तो वो मुफ्त है, यदि कहीं पर ऐसी हॉस्पिटल है जहां पर जो सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर जो महिला है वो क्या कर सकती है, जो निजी जो केंद्र है वहां पर जाकर सोनोग्राफी करवा सकती है, और दूसरी या तीसरी तिमाही में कम से कम एक जांच निःशुल्क करवाने के लिए योजना चलाई गई है। अब देखो इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं उसके बारे में बात करें, तो योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को QR कोड आधारित एक ई वाउचर मिलेगा, मतलब जब वो गर्भवती होगी तब क्या मिलेगा, QR कोड बना हुआ रहेगा, ई वाउचर मिलेगा। अब उस ई वाउचर को ले जाकर वो किसी भी निजी जो केंद्र है वहां पर जाकर क्या करवा सकती है, सोनोग्राफी करवा सकती है। उस वाउचर को देकर किसी भी निजी सेंटर पर जो महिला है वो क्या करवा सकती है, आपके सोनोग्राफी करवा सकती है। तो ये योजना है आपके माँ बाउचर योजना। एक बार वापस कर रहे हैं, आपको याद करना है, आपको पता है कि मैं जब भी आपको कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो मेरा लक्ष्य यही रहता है कि आपको चीजें याद हो। ऐसा नहीं हो आप बहुत ज्यादा चीजें पढ़ रहे हो लेकिन आपको याद कुछ नहीं हो रहा है, हमारा टारगेट है जो भी पढ़े वो याद करते हुए चले। तो देखो स्टार्ट करें, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि माँ वाउचर योजना के बारे में। माँ वाउचर योजना शुरुआत कब हुई, तो 8 मार्च को हुई, कब, 8 मार्च 2024 को शुरुआत की गई, जब क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उस अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। विभाग कौन सा है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। फिर हम बात करें पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी, 12 भरतपुर और फलौदी। कहां पर, 12 भरतपुर और फलौदी। और सरकार ने कहा है कि अप्रैल 2024 में हम पूरे राज्य में इसको क्या करने वाले हैं, लागू करने वाले हैं। फिर देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सुरक्षित मातृत्व अभियान को गति देना, और शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, क्योंकि सोनोग्राफी होगी तब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मान लो कुपोषण है या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है शिशु को, तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, उससे क्या होता, तो डॉक्टर होगा वो उसकी जांच करेगा, सारी जांच हो गई तो उसके बाद दवाई दे पाएगा, और कोई मान लो कोई सर्जरी करनी है तो वो सारी सुविधा होगी, और उस सबसे क्या फायदा मिलेगा कि जो शिशु एवं मातृ मृत्यु दर है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। फिर देखो आगे बात करें, आगे हमने क्या पढ़ा था, ये सारी चीजें आपको याद ही हो गई होगी। फिर देखो आगे बात करते हैं, आगे हमने पढ़ा था कि प्रदेश
के जो भी सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, वहां पर जो महिलाएं हैं उनको क्या मिलेगा? एक बाउचर देगा, सरकार बाउचर देगी जिसपे QR कोड बना हुआ रहेगा, और वो क्या कर सकती है, महिला किसी भी निजी जो केंद्र है वहां पर जाकर सोनोग्राफी करा सकती है। ये है आपके माँ बाउचर योजना। बिल्कुल चीजें समझ में आ गई, याद हो गई होगी, अब तक तो कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। और सरकार क्या करने वाली है, सालाना 10 करोड़ रुपए इस पे खर्च करने वाली है। यहां तक चीजें क्लियर है, फिर देखो हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना। अब देखो नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में बात करूं तो इसकी शुरुआत राज्य में कब हुई है, तो वो हुई है 11 मार्च 2024 को। कब हुई है डेट आपको याद रखना है, माँ वाउचर कब हुई, 8 मार्च को। और वहीं हम बात करेंगे प्रदेश में जो नमो ड्रोन दीदी योजना है इसकी शुरुआत कब हुई है, 11 मार्च को इसकी शुरुआत हुई है। तो यहां तक चीजें क्लियर है, फिर देखो आगे बात करें। देखो इसके बारे में शुरू में बात करूं मैं, शुरू में घोषणा के बारे में बात करूं तो सर जो मोदी जी हैं उन्होंने इसके बारे में घोषणा की थी कब, तो इन्होंने 15 अगस्त 2023 को जो लाल किला पर जो भाषण होता है उसमें इन्होंने घोषणा की थी मोदी जी ने कि जो महिला सहायता समूह है महिला सहायता समूह है कौन है महिला सहायता समूह है उनको सरकार द्वारा ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या उपलब्ध कराया जाएगा, ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये घोषणा कब की थी, तो 15 अगस्त 2023 को मोदी जी ने इसके बारे में घोषणा की थी कि महिला स्वयं सहायता समूह कौन है, महिला जो स्वयं सहायता समूह है उनको क्या किया जाएगा, ड्रोन उपलब्ध सरकार द्वारा करवाया जाएगा। ये घोषणा 15 अगस्त को हो गई थी। फिर उसके बारे में आगे बात करें तो आगे इसकी हम बात करें कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 30 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब, 30 नवंबर 2023 को। देखो घोषणा तो 15 अगस्त को हो गई थी, लेकिन आपसे बात पूछी कि योजना की शुरुआत कब हुई, तो वो कब हुई आपके 30 नवंबर 2023 को। यहाँ तो चीजें याद हो जाएगी, क्या घोषणा की बात कर रहे हैं, भारत में बात कर रहे हैं, किसने घोषणा की, तो मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को जो उनका लाल किला पर जो भाषण था उसमें इन्होंने कहा था कि हम क्या करने वाले हैं, महिला जो स्वयं सहायता समूह है उनके लिए हम ड्रोन उपलब्ध करवाएंगे। ड्रोन किसकी, लड़ने के लिए नहीं, शादी में फोटो क्लिक करने के लिए नहीं, ये जो ड्रोन होगा उसका यूज कहाँ किया जाएगा, खेतों में यूज किया जाएगा, जहां पर कीटनाशक छिड़कना है, बीज उगाने हैं, उसके लिए इसकी बात की जा रही है। कहीं आप ये सोच लो कि शादियों में चलाने के लिए ड्रोन, नहीं नहीं वो गलत बात है, यहाँ पर अलग चीज बात की जा रही है। तो देखो घोषणा कब हुई, 15 अगस्त को, और हम बात करें कि 30 नवंबर 2023 को मोदी जी ने आपके प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र की शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ किया प्रधानमंत्री किसान महिला किसान ड्रोन केंद्र की शुरुआत की। ये हम बात कर रहे हैं केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी की बात करूं तो अभी राज्य में इसकी शुरुआत की गई है, और इसका नाम क्या है, नमो ड्रोन दीदी योजना। क्या नाम दिया गया है, नमो ड्रोन दीदी योजना। राजस्थान में कब शुरुआत की गई है, तो 11 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत, सॉरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई है। शुरुआत कहां से की गई है, तो कोटा से। कोटा में कहां पर, जो आपके गड़ेपान है, गड़ेपान कोटा है, वहां से इसकी शुरुआत की गई है। याद रखना है कहां से, गड़ेपान कोटा में इसकी शुरुआत की गई है। देखो प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह का आयोजन किया गया था। कब, 11 मार्च को प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह का आयोजन किया गया था 11 मार्च 2024 को, और इसी में इस योजना की शुरुआत की गई थी नमो ड्रोन दीदी योजना की। फिर देखो इसमें 104 महिला स्वयं सहायता समूह को खेती के लिए ड्रोन दिए गए थे। तो आपको एक तो ये आंकड़ा रखना है कि जो हाड़ौती की 104 जो महिलाएं हैं उसको इसके लिए क्या कर दिया गया था, इसके लिए चुना गया था, उन्हें क्या दिए गए थे, ड्रोन उपलब्ध करवाए गए थे। फिर देखो आगे बात करें, देखो महिलाएं खेतों में ड्रोन उड़ाएगी और दवा स्प्रे से लेकर बीजों की बुआई भी करेगी, इसके लिए महिला कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है। क्या कर दिया गया है, जो महिला है उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है, और किसके तहत, ये प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ये जो प्रशिक्षण है ये किसके द्वारा दिया जाएगा, तो ये प्रशिक्षण दिया जाएगा आपके CFCL
एल के द्वारा। सी एफ सी एल क्या है तो चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के द्वारा इन जो महिलाएं हैं स्वयं जो आपके स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे ड्रोन चलाना है, कैसे कीटनाशकों का छिड़काव करना है, कैसे बीज उगाना है, ये सारी इसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही हम बात करें कि इसका प्रशिक्षण और भी संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है तो आपके एक तो इफ्को है, एक चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स है, एक आपके NFCL जो कंपनी है, उन तीनों जो कंपनियां हैं और भी दो कंपनियां हैं उनके ये सारी मिलकर ये क्या करने वाली है इस जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण देगी। एक आपके ये नागार्जुन है, कौन सी है, नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में NFCL। ये जो संस्थाएं हैं जो कंपनियां हैं वो मिलकर क्या करेगी, प्रशिक्षण देगी महिलाओं को और ये महिला फिर ड्रोन उड़ाएगी। यहां तक चीजें क्लियर है, फिर देखो हम आगे बात करते हैं। तो यहां तक आपकी जो योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। एक बार वापस अपन रिवीजन कर देते हैं, योजना का नाम क्या है तो नमो ड्रोन दीदी योजना का नाम है। शुरुआत कब हुई तो शुरुआत हुई 11 मार्च 2024 को, मेरे साथ बोलो कब, 11 मार्च 2024 को शुरुआत हुई। कहां पर हुई तो गड़ेपान कोटा में एक आयोजन किया गया था कार्यक्रम का जिसका नाम था प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण मतलब दिए जा रहे थे। एक समारोह ऐसा आयोजन किया गया जहां पर 104 महिलाओं को क्या कर दिया गया था, ड्रोन दिया गया था। चलो ठीक है समझ में आ गई, लेकिन महिलाओं को ड्रोन दे दिया लेकिन महिलाओं को ड्रोन चलाना नहीं आता तो इसके लिए प्रशिक्षण कौन देगा तो चंबल फर्टिलाइजर एंड जो आप फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी है वो क्या करेगी, प्रशिक्षण देगी। मुख्यतः कंपनी आपके यही है CFCL, ये प्रशिक्षण देती है। उसके साथ में और कौन कौन सी कंपनी है तो एक तो इफ्को है और एक आपके NFC है, नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी है। ये जो मिलकर कंपनियां क्या करने वाली है, महिलाओं को प्रशिक्षण देगी और महिलाएं क्या करने वाली है, ड्रोन उड़ाएगी और दवा का स्प्रे करेगी। क्योंकि देखो ड्रोन का इस्तेमाल खेती में बहुत अच्छे से किया जा सकता है, विदेशों में आप देखोगे लगभग सारी चीजें हैं वो ड्रोन से की जाती है। जैसे मान लो कोई भी दवा का छिड़काव करना है तो ड्रोन से एक तो इवन तरीके से होगा, बिल्कुल सही तरीके से होगा, ऐसा नहीं कहीं पर ज्यादा केमिकल आ गया है कहीं पर कम केमिकल छिड़का गया है, तो बिल्कुल इवन तरीके से होगा और बहुत स्पीड से होगा। और किसान की हम बात करें, किसान बहुत अच्छे तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। सरकार ये टेक्नोलॉजी चाहती है कि जो हर किसान है उसके हाथ में ये टेक्नोलॉजी पहुंचे जिससे वो क्या करें, उपज है उसको बढ़ा सके। और जो सरकार ये भी चाहती है कि जो देश की आमदनी है वो किसान भाइयों पर निर्भर है और किसान क्या कर सके, इनके देश की GDP है उसमें अपना शानदार योगदान दे सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, कमेंट में पढ़ता हूँ तो वहां पर आपके सारे डाउट है वो सॉल्व हो जाएंगे। एक ही चीज और मैंने कमेंट में भी दिखा था, बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर PDF कहाँ पर मिलेगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो PDF है वो जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल क्वालिटी एजुकेशन RS, वहां पर आप जाओगे वहां पर हमारी जो सभी PDF है क्लासेस की वहां पर आपको मिल जाती है, चाहे राजेंद्र सर हो और बाकी जो भी टीचर आपको क्लासेस लेते हैं, नरेंद्र सर की भी आपको पता होगा क्वालिटी आसान है एक सीरीज चल रही है वहां पर, वो PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, तो वहां से आप चीजें सारी देख सकते हो। धन्यवाद।